नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन संस्करण में। और आज हमारे साथ हैं कर्नल आरएसएन सिंह जी। आपका स्वागत है कर्नल सिंह। और आज हम बात करेंगे वैसे तो जिहादियों में और अर्बन नक्सल्स में, जो 0.5 फ्रंट जो है उसमें आपका अच्छा स्पेशलाइजेशन है 2 फ्रंट के अतिरिक्त। और आपने एक पहले पुस्तक लिखी थी नो दी एंटी नेशनल्स, तो उस नो दी एंटी नेशनल्स की निरंतरता में अभी इन्होंने नई पुस्तक लिखी है जिहादीज प्लस, एंड उस पे बाकी वही नो दी एंटी नेशनल्स। तो ये जिहादीज प्लस, इसको जिहादीज प्लस क्यों कहते हैं आप? नहीं, वो पहले आपको और सुनने वालों को मेरा नमस्कार। देखिए, जो आपने सही कहा कि पहली मेरी किताब थी नो द एंटी नेशनल्स, उसका हिंदी रूपांतर भी निकला था। हिंदी रूपांतर में मैंने कुछ और चीजें उसमें, क्योंकि दिस इज अ वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट, तो कुछ कुछ इसमें लेकिन इसमें जुड़ता रहता है। लेकिन इस दौरान इतनी सारी, मतलब जो अपने जिहाद, जो एंटी नेशनल्स हैं, इतने तरीकों से और इतने रूप में म्यूटेट हुए, परिवर्तन आया उनमें, कि मुझे लगा कि इसको एक नए तरीके से इसको रीडर्स के सामने इसको पेश करना जरूरी है। इसलिए मैंने ये किताब, आई फाउंड इट एज एन ओप्रेसिंग इम्पेरेटिव। अब आप देखिए कि इसमें जो मैंने जो कवर है वो अपने आप में काफी कुछ कहता है। दिस इज आवर नेशनल बर्ड पीकॉक, वो अपने अपवर्ड फ्लाइट में है और उसमें तीर मारने वाले, जो ये तीर देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये इसमें बीबीसी, अल जजीरा, पाक जिहादी, इंडियन जिहादीज, खालिस्तानीज, अर्बन नक्सल्स, जॉर्ज सोरस, हार्वर्ड, चर्च, एनजीओज, एंटी नेशनल मीडिया, जुडिशियल माफिया, इटालियन माफिया, हिंडनबर्ग, पॉलिटिकल डायनेस, और इसमें जुडिशियल डायनेस भी आप जोड़ ले सकते हैं। तो इतने, एक चौतरफा हमला है, चारों तरफ से हमला है। तो हमने कहा कि भाई ये जो नेशनलिस्ट है जी, वो, आपको गाना याद होगा, वो मदन मोहन के द्वारा इसमें संगीत है, वो रस्म उल्फत निभाए तो निभाए कैसे, है ना? हर तरफ आग लगी है, दामन को बचाएं कैसे। तो पहले तो मैं आग लगाने वालों की इसमें मैंने काफी चर्चा की है और कुछ इसमें मैंने सुझाव भी दिए हैं कि आखिर हम नेशनलिस्ट लोग अपना दामन बचाएं तो कैसे बचाएं। तो इसी सिलसिले में मैंने ये किताब लिखा। और मैं जिस तरह से मेरे को मुझे ये सुविधा लगता है, मैं उसी तरह से अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, आखिरी में मैंने कहा पॉलिटिकल डायनास और जुडिशियल डायनास के बारे में, मैं क्यों इनको खतरा मानता हूं। ये इसलिए मानता हूं कि जो ये पॉलिटिकल, जो डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज है, कानूनन तौर से वो जरूर सक्रिय हो सकते हैं भारतीय राजनीति में और है भी, लेकिन जब ये पॉलिटिकल डायनास के पास पूरे फिनेंशियल तंत्र का इनके पास कंट्रोल होते हैं या उन्हीं के पास सारे पैसे होते हैं, देन इट बिकम्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। क्योंकि आज आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी का किसके पास पूरा वित्तीय नियंत्रण है, समाजवादी पार्टी का किसके किसके पास नियंत्रण है, आरजेडी का किसके पास है। तो ये देन इट टर्न्स इनटू ए पॉलिटिकल माफिया। और इंटेलिजेंस के अगर नजरिए से देखें तो अगर आप ये दो चार पार्टियों को अगर आप सबवर्ट, और ये डायनेस, पॉलिटिकल डायनेस को सबवर्ट करना, इनको खरीदना बाय एनी ऑफ द थ्री डब्ल्यूज,
ठीक है ना, वाइन वुमेन वेल्थ बहुत आसान होता है, एंड पावर, पावर से भी बहुत लोग के लालच में भी बहुत लोग बिकते हैं। तो इसलिए ये इतना बड़ा खतरा है हमारे देश के लिए। जुडिशियल माफिया का खतरा इस तरीके से है कि अगर यह परंपरा बन जाती है कि जज का बेटा जज होगा, तो शुरू से आपको मालूम है कि यह अमुक जज का बेटा है, इसे कभी ना कभी तो जज बनना ही है। तो उस पे जो एक्सटर्नल एजेंसीज हैं, जो बाहर बाहर की ताकतें हैं, वो उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देती, और वो भी एक देश के लिए खतरा हो जाता है। अब आप मुझसे पूछेंगे, मैं कोई 95-96 के समय में मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट में था, तो मैं देखता था कि ये जो तमाम हमारे ऊंचे ओहदे पे जो लोग पहुंच जाते थे, उनके बच्चों को जितनी आसानी से एडमिशन हो जाता था फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, वो एक आम आदमी के बच्चों को नहीं होता था। मुझे ये भी याद है संजय साहब की, एक आर्मी चीफ एक यूएस के दौरे पे गए थे, और उनका एक एडीसी था, एडीसी सिक्योरिटी, वो मुझे आके कहा कि देखिए सर, मैं तो फौज छोड़ रहा हूं। मैंने, क्या क्या करेगा तू? बोले, सर मुझे एडमिशन मिल गई है। उन्होंने कहा है, सर उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है, वो एक आपको थेसिस लिखने के लिए बोलते हैं, उसमें यू हैव टू पार्ट विथ सर्टेन इंफॉर्मेशन, और फिर ये हो जाता है। तो उस समय ऐसा भूत सवार था अंग्रेज, ब्रिटेन और यूएस का, कि लोग ये सब चीजों को नहीं मानते हैं। लेकिन जब उस स्तर पे इस तरह की चीजें होती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये जुडिशियल डायनेस्टी और ये पॉलिटिकल डायनेस्ट होना कितना कितना खतरनाक है। ये तमाम जो CIA, ISI, तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसी आपके दिल्ली में घूम रही है, वो क्या है? वो यहाँ समोसा तो बेच नहीं रहे हैं, वो तो ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भाई, आप इससे ज्यादा आपका इंटेलेक्चुअल डिजेनरेशन क्या हो सकता है कि एक जज यहाँ पे हार्वर्ड और प्रिंसटन को कोट कर रहा, जी, भारत की न्याय। आजकल तो जो है वो है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के जगह पर हार्वर्ड और मतलब इट इज प्रिंसटन अमेरिकन सच शेमलेस शेमलेस। अगर अगर यही बात वो हिंदी में देना, ये जजमेंट अगर आए हिंदी में, अंग्रेजी के अलावा, तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा ये क्या है। भारत का एक संविधान है, एक न्याय प्रणाली है, और क्या 1947 के पहले यहां न्याय प्रणाली नहीं थी इस देश में? जो भी रही हो, अच्छी रही हो, खराब रही हो, लेकिन आप जब इस तरह का हार्वर्ड और इसका आप जब उसको कोट करते हैं, तो आप ऐसा मतलब एक लोगों के उसमें एक तथ्य बेच जो तथ्य नहीं है उसको बेचने की कोशिश करते हैं कि जो भी हार्वर्ड से उत्पन्न होता है उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इसीलिए मैंने एक एरो यहां हार्वर्ड का भी दिया। जी। अब रही बात की ये मैंने अपने किताब की शुरुआत जॉर्ज सोरस से शुरू की है, क्योंकि जब मैं लिख रहा था तो बड़ा ताजा चीज वो चल रही थी। तो जॉर्ज सोरस ने बिल्कुल ओपनली अनएबैशडली डिक्लेयर किया है कि ही विल स्पेंड $100 बिलियन भारत की सत्ता परिवर्तन के लिए। उसको भारत में उसको प्रजातंत्र नहीं दिखती है, उसको लगता है कि यहां जमहूरियत नाम की चीज नहीं रह गई है। अब ये जॉर्ज सोरस, आप समझिए कि क्या उस व्यवस्था से वो बहुत प्रसन्न था, संतुष्ट था, जब एक सेलेक्टेड नॉट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इस देश को चला रहा था, और सुपर प्राइम मिनिस्टर कोई एक विदेशी महिला थी?
वॉज ही वेरी हैप्पी विद दैट अरेंजमेंट। वो एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कि अपनी अपना कैबिनेट भी नहीं चुन सकता था। 10 साल तक ये व्यवस्था चली। अभी भी चल रही है ना, अब तो पार्टी में चल रही है वही वही व्यवस्था कि जो अध्यक्ष हाँ है जी उसके जी पास जी जी कोई कोई पावर जी नहीं जी और मैं इट है। वाज डे लाइट डे लाइट रॉबरी डे लाइट रॉबरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटली हाईजैक्ड बिकॉज दैट मैन वाज पुट इन सीट हियर बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड द IMF। एवरीबडी नोज इट। एक डील हुई थी और तभी मैंने इसमें इटालियन माफिया का भी डाला है मैंने। तो उससे जॉर्ज सोरस को कोई दिक्कत नहीं थी। एक मॉर्निंग कंसल्ट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्वेस करती है, वेरी फ्रीक्वेंट सर्वेस। उन्होंने एक सर्वे किया और उन्होंने अप्रूवल रेटिंग्स दिया है वेरियस वर्ल्ड लीडर्स का। अब मैं आपको थोड़ा बता दूं आपके दर्शकों की, मोदी साहब की है 78%, बाइडेन की है 40%, ऋषि सुनक की है 30%, ट्रूडो की है 40%, ओलाफ स्कोल्स की है 32%, मैक्रोन की है 29%, सांजेस की है 36% और इटली की मिलोनी की है 52%। अब बताइए कि अगर ये पूरी स्टैटिस्टिक्स जॉर्ज सोरस से पूछा जाए कि इसको आप किस तरह से इसका विश्लेषण करते हैं, अगर ये सारे देखें आप, ज्यादातर जो वेस्ट के लीडर्स हैं वो 50% के नीचे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते क्या, हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते कि द वेस्ट हैज बिकम ग्रेवयार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरा, ये सारा कुछ, ये जो आप देख रहे हैं, आज लोग कहते हैं कि एक हिंदू रहना सहा हो रहा है, और हमारे और बड़े जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं कि मुझसे कई लोगों ने, और ये बात मुझे बहुत पहले भी कहनी चाहिए थी, लेकिन आज मैं अपने आप को नहीं रोकूंगा, नहीं अपने आप को, कि हमारे जो तमाम सोशल मीडिया है जिसमें बहुत फौजी भाई लोग हैं, जनरल से लेकर नीचे तक, तो अलग अलग कोई कोर्स ग्रुप है, कोई रेजिमेंट ग्रुप है, कोई अलग अलग ग्रुप है, तो मुझसे सभी लोग कहते थे, सीनियर ऑफिसर नॉन सिख ऑफिसर, कि भाई ये सरदारों को क्या हो गया, मोदी से तो नफरत छोड़ो, मोदी से नफरत करते करते ये देश से नफरत करते लगे। लिहाज में ये बात मैंने पहले कभी नहीं कही है, लेकिन आज मजबूर हो गया हूं, जब इतना कुछ पंजाब में हो रहा है तो मैंने इस पर गहरा चिंतन किया, इस पर बहुत विश्लेषण किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि इनको दर्द सिर्फ इस बात का है कि इस देश में एक हिंदू हिंदू रहना सहा हो रहा है। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, आपकी बिकॉज बात पूरी तरह से सहमत हूँ। देर इज अ हिंदू रेनेसां इन दिस कंट्री, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दूसरी बात क्या है कि देखिए, ये जो मैंने अपनी किताब में ये लिखी है अपने इंट्रोडक्शन में, कि जो हमको ट्रांसफर ऑफ पावर मिला वो एक क्लैंडेस्टाइन बार्गेन था बिटवीन द कांग्रेस लीडरशिप देन एंड द ब्रिटिश। जी हाँ, उसमें तो ठीक है बहुत ना, सारे सीक्रेट क्लॉजेज हैं। हाँ, वो एक क्लैंडेस्टाइन बार्गेन था। उस क्लैंडेस्टाइन बार्गेन में जो मुसलमान थे उनको सब कुछ मिला, उनको टेरिटरी भी मिला, उनको इज्जत भी मिली। जो सिख थे उनको बहुत इज्जत मिली, क्यों, भारी मात्रा में वो सेना में थे और बहुत मदद भी करते थे अंग्रेजों का।
क्रिश्चियंस को भी बहुत इज्जत मिली। और वही नहीं, उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेरिट किया, जो एपरेटस सॉरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ यू नो रियल स्टेट एंड यू नो अदर एसेट्स, वो उनके पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट। हिंदुओं को, कॉम्युनिस्ट को भी इज्जत मिला, लेकिन हिंदुओं को ना तो इज्जत उनको दी गई, उन्होंने तो इस तरह से उनका व्यवहार था इन लोगों का कि ये हिंदू आखिर जाएंगे कहां पे। तो वही हिंदू आज जाग रहा है, और ये रिसर्जेंस देखा नहीं जा रहा है इनको। अब एक जज साहिबा ने, आपको मालूम है उनका सिलेक्शन हो गया है, कॉलेजियम सिस्टम की जब बात कर रहे हैं, तो वो जज साहिबा ने एक कहीं पे एक अपने भाषण में ये कहा कि ग्रीन टेरर तो है ही और वाइट टेरर यानी कि क्रिश्चियन टेरर उससे कम खतरनाक नहीं है। ठीक है, उन्होंने कल्चरल जेनोसाइड की बात की, भारतनाट्यम कहा कि भारतनाट्यम क्रिश्चियन सॉन्ग्स पे उन्होंने कहा ये तो हमारे इट इज अब्यूज ऑफ आवर कल्चर, और उन्होंने कोई गलत बात कही नहीं। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि हम तो बहुत पिछड़े लोग थे, हमें तो कन्वर्ट करना बहुत जरूरी था, ना हमारे पास विद्या थी, ना कला थी, ना सब कुछ था, लेकिन फिर हमारी कला के पीछे क्यों पड़े हुए भाई? हम लोग सैवेजेस थे क्या? तुम्हारे तुम्हारे मतलब वो क्रिश्चियनिटी में कोई डांस वांस नहीं था क्या? कोई म्यूजिक व्यूजिक नहीं था क्या? ये भारतनाट्यम के पीछे क्यों पड़े हुए हो? ये मूर्तियां की जो चोरी होती है यहां से किस लिए भाई? हम तो मूर्ति पूजक है, इन मूर्तियों में क्या रखा है कि इसकी चोरी करते हो और अपने म्यूजियम में लगाते हो और अपने ड्राइंग रूम्स में लगाते हो? हम तो सैवेजेस थे। ये इन लोगों से ये पूछना चाहिए। अब ये इस महिला जज को कहा गया, आवाजें उठी कि भाई इनको जज नहीं बना, ये बड़ी कम्युनल है। और एक क्रिश्चियन जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, ओपनली कहता है कोर्ट के डायस से कि मैं पहले एक क्रिश्चियन हूं तब मैं एक जज हूं। ब्लैस्फेमी की बात आती है, दीक्षित साहब आपने कभी सोचा है ये ब्लैस्फेमी का कारण क्या है? देखिए, ये जब ये मजहब नहीं आए थे, ये किताब वाली मजहब, तो उस समय संस्कृतियां थी, सिविलाइजेशंस थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, रोमन सिविलाइजेशन था, ग्रीक सिविलाइजेशन था, सुमेरियन सिविलाइजेशन था, इजिप्शियन सिविलाइजेशन रहा, मायान सिविलाइजेशन रहा, चाइनीज सिविलाइजेशन रहा। इन संस्कृतियों में कभी भी ये झगड़ा नहीं था कि किसकी पूजा की जाए और किसकी पूजा नहीं की जाए, उस पर कोई मतभेद नहीं, उस पर कोई युद्ध नहीं होते थे। बस अगर झगड़ा होता था, विवाद होता था, युद्ध होते थे, तो वो था सेंस ऑफ मोरालिटी। अगर आपकी मोरालिटी मेरे से दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में है तो युद्ध होते थे क्या? उदाहरण के तौर पे आप देखिए, रावण, रावण और राम में कोई ये इस चीज की कभी उनमें कोई मतभेद नहीं था कि कौन किसकी पूजा करता है। रावण एक बहुत बड़ा शिव भक्त था, और भगवान राम भी एक बहुत बड़े शिव भक्त थे, और खुद विष्णु का अवतार थे वो। लेकिन दोनों में युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि राम, भगवान राम की जो जो सेंस ऑफ मोरालिटी थी या उनके उनका जो मॉरल वैल्यूज था, दैट वाज इन कॉन्फ्लिक्ट विद रावण्स मॉरल वैल्यूज, एंड दैट इज व्हाई यू नो ही हैड टू एलिमिनेट, युद्ध हुआ। लेकिन ये किताबों में क्या है?
किताबों में है कि भाई नहीं, अगर आप इस किताब को मानते हो तब तो आपको जीने का अधिकार है या आपको जीने का अधिकार नहीं है। बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स, अब उससे क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली ये किताबें ये लोग पढ़ते नहीं है। और मैं पहले भी आपके एक बार प्रोग्राम में मैंने इस बात को कहा है कि, और इस बुक में एक चैप्टर भी है होली बुक्स के ऊपर में, होली होली बुक्स एंड वॉर्स, कि क्योंकि ये किताबें कभी खुलती नहीं है, बंद रहती हैं, इसलिए इसके अंदर क्या लिखी गई है वो कोई नहीं जानता, वो कोई ना पढ़ना चाहता है, वो उसकी एक तरह से वो मूर्ति पूजा करता है। किताबें अगर खुल जाए तो शायद परिवर्तन आ जाए, किताबें अगर लोग पढ़ ले तो शायद उनके पर्सनालिटी में परिवर्तन आ जाए, किताबें अगर खुल जाए तो शायद ये ब्लास्फेमी के ये जो इंसिडेंट्स होते हैं हर दिन पाकिस्तान में वो ना हो। लेकिन दुख की बात है कि बंद किताबों का तो हमने कहर देखा है, सबसे बड़ा, क्लोज बुक्स आर द बिगेस्ट वेपन्स, कहर हम पाकिस्तान में रोज देखते हैं वहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि मुल्ले ने कभी किताब पढ़ी नहीं, वो उसको वो खोली खोली नहीं। और अगर एक और बात मैं बता देता हूं, मैंने कुरान पढ़ी है सज्जन साहब, जिस लॉजिक में वो लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल कहना कोई गलत है कि कोई भी उसको कंठस्थ याद कर सकता है, क्योंकि अगर आपको लॉजिक नहीं है तो आप इतनी बड़ी किताब कंठस्थ याद नहीं कर सकते हैं। एक ही चीज मक्का में लिखी हुई है और मदीना में लिखी हुई है, हाउ कैन यू रिमेंबर बोथ ऑफ देम? देन द चैप्टराइजेशन इज नॉट एज पर यू नो एज पर एनी सीक्वेंस। तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड दुनिया में ये कहा जाता है कि ये हाफिज है, इसको पूरा पूरा कुरान कंठस्थ याद है, ये वो कहने वाला मूर्ख और हाफिज टाइटल लेने वाला मूर्ख। आप क्या उम्मीद करते कि हाफिज सईद को पूरा कुरान याद है? वैसे मैं तो बहुत जानता हूँ जिम्मेदारी लोगों के साथ की को, बात। आरएसएन जी, मैं तो जैसे हमारे यहाँ पे ये एक्स मुस्लिम आते हैं सच वाला जी, इनको हाँ तो वाकई पूरा याद है। और मैं तो देखता हूँ सर, कि क्या क्या बात करते किसी नहीं नहीं को भी, नहीं कोई भी चीज़ करते हैं, वो तुरंत उसको अरबी में सुना दे देते। नहीं नहीं दे मे कोट यू, दे मे कोट यू फ्रॉम वन यू नो फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, बट इफ यू टेल देम कि चैप्टर वन, वो चैप्टर वन से लेकर आखिरी चैप्टर तक आप लगातार सुनाते रहो, सॉरी मैं इस बात को नहीं मानता हूं, मैं इम्पॉसिबल, ये वैसे मेरी उसकी अपनी जरूरत भी लगी नहीं लिखी होती है, हुई। क्योंकि वो उसमें कोई ऐसी, देखिए इट इज नॉट अ बुक ऑफ नॉलेज जिसकी हम बात कर रहे हैं, देख ये कोई मैं एक वेद बात, और उपनिषद की तरह बुक ऑफ नॉलेज नहीं है, वो तो बुक ऑफ कमांडमेंट है। नहीं, याद देखिए याद, अब मैंने ये किताब लिखी है, अब मैंने ये किताब लिखी है, अगर कोई मुझे कहे कि पेज वन से लास्ट पेज तक मुझे सबका एक एक वर्ड में मुझवानी आपको बता दूं, शायद इस नहीं, जन्म में ये तो मेरे लिए कैसे हो सकता पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? हाँ, आप जैसे ही कोई बात का जिक्र करेंगे तब याद मुझे आ जाता है कि क्या इसमें लिखा है। एनीवे, द पॉइंट दैट आई वाज कमिंग टू इज कि ये जो ये बंद किताबें जो है ना, ये सबसे बड़ा हथियार है मानवता के खिलाफ, और दुर्भाग्यवश ये बंद किताबों वाला जो वेपनाइजेशन का फिनोमिनन है, सच रिच मजहब लाइक सिखिज्म, उसमें भी ये लोगों, कुछ खालिस्तानी तत्व तो उसमें ये इस ब्लास्फेमी की परंपरा को ला रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पे तो फार्मर्स प्रोटेस्ट था ना सर, है? वहां पर आप फार्मर प्रोटेस्ट के लिए आए हैं और वहां पर एक लखबीर सिंह नाम के सरदार जी को आप उसको मतलब उसको रेत रेत के उसको काट रहे हैं, ब्लास्फेमी के जैसे, जैसे पाकिस्तान में जिहाद होता है उस तरह, जैसे ब्लास्फेमी के लिए पनिशमेंट होता है उस तरह से पनिशमेंट दे रहे, और वहां पे वो तरन तारण का रहने वाला था सर, और वहां
कई और लोग खड़े थे जो फार्मर एजिटेशन के लिए आए थे, गेहूं और चावल के लिए आए थे और यहां हाथ काटने लगे। सो दिस अनफॉर्चुनेट यू नो फिनोमिनन हैज इवन इवन क्रेप्ट इनटू इनटू हैज बीन इन्फ्यूज्ड बाय दिस यू नो खालिस्तानी। दिस इज व्हाट दे हैव डन टू यू नो सिखिज्म। मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं सिख गुरुओं का बहुत बड़ा मैं अनुयायी हूं, बहुत बड़ा भक्त हूं। बहुत बार सुबह सुबह मुझे जब भजन सुनता हूं तो कभी कभी साथ साथ अच्छे शब्द भी सुनता हूं। लेकिन ये दिस इज टोटल हाईजैक। और दुख की बात है कि ये पढ़े लिखे मुझे लगता है कि जो और आपके जो चैप्टर्स हैं उनका भी डिस्कशन कर लिया जाए, क्योंकि हाँ जी जी 25 मिनट तो नहीं नहीं ये 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 कवर नहीं हाँ, हो पाएगा। उसके बाद चर्च और चर्च एनजीओज और अर्बन नक्सल्स, ये जो इकोसिस्टम है इसके बारे में आपने क्या किया? वैसे चैप्टर्स ये जितने भी आपने नीचे बनाए ये सबके अलग अलग चैप्टर्स हैं क्या, जितने भी तीर बने हुए? नहीं 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 द चैप्टर्स चैप्टर्स है। आपको अगर मैं यू नो मेन चैप्टर्स है, इंडिया इज इंडीड देयर मदरलैंड, ये मैंने कहा है भाई कि जो जो हमारे सिख भाई जिनको वहां से गुरुद्वारों में से मार के भगाया, मतलब उनके गुरुद्वारों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है, वो आखिर जाए जाए तो कहाँ जाए। एक बच्ची ऑर्फंड हो गई है, उसके दो भाई बहन है, वो भारत के अलावा उसको कौन शरण देगा, वो उस पे है। तो इट इज इनडायरेक्टली ऑन सीए। फिर मैंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पे लिखा है। अगर मान लीजिए कश्मीर से भी एग्जोडस हो रहा है तो बांग्लादेश से भी एग्जोडस हो रहा है, 71 की लड़ाई आपने जीती लेकिन उससे एग्जोडस में तो कोई कमी आई नहीं, तो इजंट इट क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। अगर वही चीज कश्मीर में हो रहा है और वही चीज बांग्लादेश में हो रहा है, वही पाकिस्तान में हो रहा है, वही अफगानिस्तान में हो रहा है, देन मैंने आपको बोला गांधी कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्प्रोमाइजेस। इसमें एक मैंने एक इसमें ये लिखा है कि जब गांधी जी नोआखाली में गए तो अपने शांति शांति का संदेश लेके गए, तो जगह जगह सभाएं करते थे, तो कहीं पे उनके साथ कुछ हिंदू थे जो कुरान की आयतें बोलते थे, तो कई वहां पे मुसलमान भड़क गए कि आप काफिर आयतें नहीं बोल सकता है, ठीक है। ना, वो तो उसके नजस बाद गांधी जी हाँ हाँ तो गांधी जब टॉल्स्टॉय फार्म में थे तो उनको उन्हें ये प्रेरणा मिली कि मुझे सारे धर्म और मजहबी ग्रंथ पढ़ने चाहिए, तो सारे इकट्ठा किया उन्होंने। तो उनका एक मित्र आया, उसने बड़ा ऑब्जेक्शन रेज किया कि आप बाकी ग्रंथों के साथ क्यों रख रहे हैं कुरान को, ये तौहीनी है। तो गांधी जी ने पूछा तो क्या करना चाहिए, बोले कि आप अलग इसको आदर पूर्वक एक झोले में लेके एक दीवाल के साथ इसको आदर पूर्वक इसको टांग दीजिए। तो ये मतलब मैं कुछ कुछ ये पॉलिटिक्स ऑफ असैसिनेशन मैंने इसमें पूरा कि ये देश या आवर सब कॉन्टिनेंट है अपना पॉलिटिक्स में ये असैसिनेशन पे ही, मतलब इट इज रिप्लीट विथ एग्जाम्पल ऑफ असैसिनेशन राइट फ्रॉम महात्मा गांधी और टू टू यू नो टू द डिसअपीयरेंस ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वट एवर हाउ एवर यू वॉन्ट टू टर्म इट, और इसका क्या कहते हैं आपका लाल बहादुर शास्त्री, देन इंदिरा गांधी, देन राजीव गांधी, ठीक है ना। और सो ये इसका एक बहुत बड़ा सिलसिला रहा है। देन डार्क क्लाउड्स एक चैप्टर है, डार्क क्लाउड्स अवे वेंट अवे विथ 370 कि मैं तो जम्मू गया और लोगों ने मुझे कहा है हिंदुओं ने कि अगर 370 नहीं जाता तो हमने ऑलरेडी अल्टरनेटिव हम ढूंढने लगे थे, यहां से हमारा हमारा भी पलायन होने वाला था। देन चैप्टर इज कश्मीर डी रेडिकलाइजेशन इज द ओनली सोल्यूशन। आप जो मर्जी आप कर ले, आप कितने काउंटर प्रॉक्सी वॉर काउंटर इंसर्जेंसी कैंपेन्स चला लें, जब तक आप इनको डी रेडिकलाइज नहीं करेंगे तब तक आपको एंड्योरिंग सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। आप डी रेडिकलाइज तो जो चीजें किताबों में लिखी हुई हैं, होली बुक्स में लिखी हुई हैं,
वो तो वहां से नहीं निकाल सकते ना, और वो तो अल्टीमेटली जो रेडिकलाइजेशन होता है वो दे आर ऑलवेज अ सोर्स, तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू देम। कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं, बट जो थोड़ी दे कैन ऑलवेज टेक देम बैक टू इट। नहीं, युगुर मुस्लिम्स का है, हमारे पास उदाहरण है, सऊदी अरेबिया में जो हो रहा है वो भी एक उदाहरण है, इस पर सोचा जा सकता है। एनीवे मैं एक चैप्टर है मेरा, योर लॉर्डशिप शुड ट्रस्ट द विजडम ऑफ द आर्म फोर्सेस। अब भाई हमको थ्रेट को कैसे मीट करना है, हमारी सेना की स्ट्रक्चर कैसे होगी, हमारी इंपेरिटिव्स क्या हैं, हमारे यहाँ वॉर्स ऑफ इंटरेस्ट हैं और वॉर्स ऑफ नेसेसिटी हैं। वॉर्स ऑफ इंटरेस्ट में क्या, मान लीजिए आपके कहने पर हम महिलाओं को हम अफगानिस्तान, मान लीजिए हाइपोथेटिकली वे डिप्लॉयड इन अफगानिस्तान, महिला ले जाएंगे वहां पे। अगर सौरभ कालिया के बदले मान लीजिए कोई महिला होती और उसके साथ यही ट्रीटमेंट होता, उस पर देश देश पर उसका इंपैक्ट कोई समझता है, जज साहब लोग कभी समझते हैं? तो जज ये सब साहब चीजों लोगों पे का तो मामला जाती ही अलग है। अभी आपको ध्यान होगा कि अभी लॉ मिनिस्टर ने एक कमेंट की कुछ रिटायर्ड जजेस के बारे में, कि साहब ये जो हैं ये एक्टिविस्ट बन के और एंटी नेशनल्स के साथ में घूम रहे हैं, तो ये कोई रिटायरमेंट के बाद तो नहीं बने होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। जब इसमें इंटरेस्टिंगली इंटरेस्टिंगली मैंने ये एक एग्जांपल दिया है आपको, एक क्रिश्चियन जज का दे दिया मैंने, जो कि कहता है कि पहले मैं क्रिश्चियन हूं। आप बताइए साहब कि कम्युनिस्ट को कितनी इज्जत मिली इस देश में, आप समझ सकते हैं कि वीके कृष्ण अय्यर वाज अ मिनिस्टर इन द केरला कैबिनेट कैबिनेट जो 1959 में जो पहली जो मिनिस्ट्री बनी थी कम्युनिस्ट की, उसमें ये मंत्री थे, और उसके बाद ये हाईकोर्ट जज बने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, और ये नालायकों से पूछो तो ये कृष्णा अय्यर को, अरे क्या अंग्रेजी बोलता था उसकी, जो वो जो बोलता था ना, सर के ऊपर से निकल जाती थी, दाहिने कान की तरफ से निकल जाते, ये उसको ऐसी योलोजाइज करते हुए साथनी को। तो क्या आप सोचते ऐसी हैं अंग्रेजी लिखता था कि कि जो है ऐसा लगता था कि कोई डिक्शनरी खोल हाँ के उसको रट रट के और उसको बोल रहा है। हाँ मेड ये है अपनी जुडिशरी का, ये इस तरह से योलोजाइज करते थे, ये मतलब ये माओ का चेला वी के कृष्ण अय्यर, ठीक है ना, क्या वो बदल गया? वो जैसे ही जज बना क्या वो बदल गया? वो दूसरी बात ये है, मैंने विमेन एट वॉर विद जिहादी एक चैप्टर लिखा है इसमें, जिसमें मैंने एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से अभी आपने देखा कि ये जो सेल्फ डिफेंस फोर्स की जो महिलाएं हैं, किस तरह से उन्होंने बड़ी बहादुरी से जम्मू के रीजन में उन्होंने सामना किया अपने ये जिहादियों को, पाकिस्तान के जिहादियों से, और उनको सेल्फ डिफेंस में ट्रेन करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो अपना आपने जो इकोसिस्टम का बात किया, अर्बन नक्सल्स इकोसिस्टम का, अर्बन नक्सल्स इकोसिस्टम जहां भी लोग अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उस व्यवस्था को ये बिल्कुल, ये उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। सब क्या क्या गलत था सलवान जुदुम में, क्या गलत था सलवान जुदुम में? अगर वहां के लोग रेजिस्ट कर रहे हैं कि हम नक्सल नहीं बनेंगे, तो उसमें क्या गलत था? और मैं गया हूं उन इलाकों में, आई डिड अ कंप्लीट स्टडी ऑन बिहाफ ऑफ द एमएचए ऑन दिस नक्सलिज्म, और वहां तब मैंने देखा कि अर्बन नक्सल्स का क्या ये है। दूसरा ये है साहब कि ये न, नंदिनी सुंदर का एग्जाम्पल है ना न, हमारे पास। वही वही कह रहे हैं न, अच्छा एक इसमें चैप्टर है, ओनली कोर्ट रूम्स के नॉट सिक्योर इंडिया। यार यू आर ए सुप्रीम कोर्ट जज, तुम एक एक तुम कैसी भाषा का आप इस्तेमाल करते हो भाई? आई वॉन्ट सो मेनी बड़ी, एक उसने कह दी कि हिस्ट्री हिस्टोरिकली वुमेन हैव बीन यू नो डिप्राइव्ड एंड दिस थिंग, क्या मतलब आपका लैमेंट क्या है? हिस्टोरिकली आपका लैमेंट है कि हिस्टोरिकली दैट वुमेन शुड हैव बीन पार्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्सेस, इज योर लैमेंट दैट वुमेन शुड हैव बीन पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी इन वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू, इज दैट योर लैमेंट?
विच हिस्ट्री यू आर टॉकिंग अबाउट? और जब भी इस देश में वॉर्स ऑफ नेसेसिटी हुए हैं, वुमेन हैव रिजन टू द ओकेजन एंड मेन द मेन फोक हैव एनकरेज्ड इट। तो जज साहब लोग ना, ये अपने पश्चिम की जो ये जो धारणा और आपका ज्ञान है ना, इससे हम लोग को कृपया इस देश को वंचित रखिए। वो साहब, वो तो हार्वर्ड वाला मामला है, तो हार्वर्ड का क्या ये आज आप इतना हल्ला करें? लेवल लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल, डू यू वांट टू जनरेट द आप लेवल? अरे आप महिलाओं को हमारे देश में ऊंचे लेवल फील्ड से आप नीचे के लेवल फील्ड में आप लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर वो जो लेवल फील्ड, तो आप बोलिए ना इंटरनेशनल, या एक जजमेंट पास कीजिए कि इंडिया विल नॉट फील्ड एनी टीम इन द ओलंपिक्स टिल इट बिकम्स जेंडर न्यूट्रल। करिए, हो जाएगा कुछ दिनों में, अमेरिका में तो होने लगा है। इनको तो जो भी अमेरिका में हो रहा है उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, ये अपना दिमाग तो ये गिरवी रख के आए हैं कहीं पे, दिमाग इनका अमेरिका में गिरवी रखा है, वहां से जैसे चलता है वैसे चलता है। एक चैप्टर है वेरी इंटरेस्टिंग संजय साहब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देन एंड नाउ। और देखिए, एक सज्जन थे, चार आदमी ने वो पहले दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोला था, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्ण, नेहरू और एक व्यक्ति थे खलीक जमान। खलीक जमान यहां से उन्होंने किताब लिखी थी पाथवे टू पाकिस्तान, आपको मालूम है कि, और लिखते हाँ कि अगर पाकिस्तान नहीं, अगर एएमयू नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं बनता। तो वहां से चले गए, एएमयू में कुछ नहीं बदला। जिस आदमी ने पाकिस्तान बनवाया, इकबाल ने, उसके नाम से हॉस्टल बना एएमयू में, और अभी कई सालों के बाद इस रिपब्लिक डे को एक लड़का था उधर ही बिहार बंगाल का, रहा वहीदु जमान, ठीक है ना, वहीदु जमान ने जब ये वहां पे भारत माता की जय नारे लगा रहे थे, तो वो अल्लाह अकबर की नारे लगा रहा था। सो नथिंग हैज चेंज बिटवीन वहीदु जमान एंड खलीकु जमान, दिस इज द थ्रस्ट ऑफ माय एएमयू देन एंड नाउ। ठीक ठीक है ना सर। और सबसे बड़ा दो चैप्टर है, वो है अरविंद केजरीवाल के ऊपर में, असॉल्ट ऑन इंडिया बाय अ चीफ मिनिस्टर। मैं उस 2014 की बात कर रहा हूं, जब इस आदमी ने, आपको याद होगा, रेल भवन में धरना दिया था एज ए चीफ मिनिस्टर, और ये क्या नारे, ही वॉज ट्राइंग टू डिसरप्ट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। और इसने नारे उस समय ये कहता था, शिंदे होम मिनिस्टर था, कि मैं तय करूंगा कि शिंदे कहाँ बैठेगा। वो चीज लोग ना भूले कि एक भारत का मुख्यमंत्री वॉज ट्राइंग टू असॉल्ट द मेन नर्व सेंटर ऑफ पावर। और संजय साहब, एक मेरी ये एक सबसे बड़ी, अगर इसमें कोई डॉक्यूमेंट के साथ एक आर्टिकल है, वो है इंडियाज बिगेस्ट स्कैम ग्रोइंग बिगर। दिस वॉज रिटन इन 2013। दिस इज फुल, दिस इज टोटली बैक्ड बाय डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कि मैगसेसे अवार्ड और CIA का, ये देखिए, ये डलेस के द्वारा साइन की हुई, जो डायरेक्टर था CIA के, उसकी ये है, उस वो डॉक्यूमेंट है, ये भी डलेस का है साइन किया हुआ, कि हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस मनी शुड बी गिवन। देन हियर इज अ प्रूफ दैट हाउ केजरीवाल रिसीव्ड $80,000, ठीक है ना सर, इसका वो कबीर फाउंडेशन या सब सब, विच वॉज इक्वल टू हिज 20 years सैलरी, ठीक है ना सर, ये है इसका। और ये तमाम मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। ये वो महिला है श्रीमित ली, ये देखिए, जिसको बुलाया गया था बाहर से ये पूरा अन्ना एजिटेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है,
बाय केजरीवाल एंड गैंग। तो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन दिस बुक। एंड किताब के बारे में अपनी बात मैं यहीं समाप्त करता हूँ, ठीक है ना। जी, दर्शकों से अनुरोध है कि इतना वे अपने मैं, प्रश्न पूछ सकते हैं कर्नल आर एस एन सिंह से, व्हाट्सएप के द्वारा भी पूछ सकते हैं और सुपर चैट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को कृपया शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पत्रम पुष्पम के साथ हमें आप सहायता भी करें जी। और इस पुस्तक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये पुस्तक अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके वहाँ से आप इसको ले सकते हैं जी। सिंह साहब, हाँ, क्या कोई सवाल है? सवाल तो अब आएंगे, आप कुछ कह रहे थे पुस्तक के बारे में तो समाप्त हो गया। मेरा हाँ, प्रश्न नहीं, था कि वो जो मैं चर्च और एनजीओ और अर्बन नक्सल का जो सिस्टम है उसके बारे में मेरा प्रश्न था। देखिए, चर्च का इन्वॉल्वमेंट मैं आपको बता दूं। जैसे अभी मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा था, तो आपने देखा होगा कि जब यहाँ पे पहली बार दिल्ली में चुनाव हुए थे, तो बड़े सुनियोजित तरीके से और बड़े कैलिब्रेटेड तरीके से यहाँ चर्चेस चर्च पे हमला हुआ, समझे कि नहीं? अब चर्चेस का यहाँ पे क्या है कि द चर्च हैड अ बिग हैज अ बिग रोल एज फार एज पॉलिटिक्स ऑफ आम आदमी पार्टी इज कंसर्न, ठीक है? उसी तरीके से माओवादियों के साथ इनका गठजोड़ इसलिए है कि वो समझते, एक तो वो मिनरल रिच एरिया है, ठीक है ना? और आपको मालूम है कि मिनरल रिच एरिया में एक्टिविज्म से, जैसे एल्युमिनियम प्राइसेस है, अगर एल्युमिनियम का प्रोडक्शन उड़ीसा में अगर अपने अच्छे कैपेसिटी पे जाता, तो एल्युमिनियम प्राइसेस यू नो व्हाट वुड हैव फॉलन डाउन, ठीक है ना? वहां पे चर्च आप देख लीजिए। अभी जो डीप सी पोर्ट बन रहा है केरला में, वहां चर्च का आप देख लीजिए, बिकॉज ऑब्वियसली द चर्च इज बीइंग पेड बाय समवन। क्योंकि अगर आपके यहाँ डीप सी पोर्ट जब फैसिलिटी बनेगी, तो मलेशिया और कोलंबो नहीं जाएगा, किसी का तो लॉस होगा। तो वहां पर आपने देखा कुंडाकुलम प्रोजेक्ट में आपने देखा कि चर्च का क्या रोल था, ठीक है ना? तो ये चर्च जो है, इनका स्पिरिचुअलिज्म ये सब से कुछ लेना देना नहीं, ठीक है ना? ना इनका, ये बस एक वेक्टर है, और इस वेक्टर को लोग, जो बाहरी ताकतें हैं, ये इस्तेमाल कर रही हैं। और ये ट्राइबल बेल्ट को, चूंकि यहाँ पे ये मिनरल रिच एरियाज हैं, उसको डिस्टेबलाइज इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि डिस्टेबलाइजेशन से कन्वर्जन भी बहुत आसान हो जाता है, ठीक है? तो आपने देखा होगा कई इटालियन टूरिस्ट, हमारे कई मित्र जो बाहर में पोस्टेड रहे हैं, वो कहते थे कि यार, ये वीसा के लिए आते हैं और कहते हैं कि आपको, जब मैं पूछता था तुम्हारा 6 महीना के लिए कहाँ कहाँ जाएगा, तो वो लग रही, हम बॉम्बे जाएंगे, वहां जाएंगे, और 4 महीना उड़ीसा में जाएंगे। तो बोले, उड़ीसा तो क्यों जाना चाहता है? लेकिन दुर्भाग्यवश आप चर्च का वो देखिए, ये स्टेन्स, ग्राहम स्टेन्स की वाइफ को पद्मश्री दिया, वो क्या कर रही थी हिंदुस्तान में ऑस्ट्रेलिया से आके? व्हाट वाज शी डूइंग हियर? कोई ये सवाल पूछा है यहाँ पे? ये बाबा आमटे का बेटा, ये चर्च का आदमी, ये वैसेक्टमी की ऑपरेशंस कर रहा था वहां पे, पता नहीं कर रहा है कि नहीं, पहले करता था ये नक्सल मेन कार्डर्स पे, कि ताकि सो दैट दे डोंट यू नो प्रोड्यूस चिल्ड्रन एंड यू नो दे लैप्स इनटू फैमिली लाइफ। तो ये चर्च का रोल है यहाँ पे। और इन्हीं के साथ अर्बन नक्सल्स का आप कर रहे हैं। आप देखिए अर्बन नक्सल्स का, आप मालूम है आपको, ये जुडिशरी में या अर्बन नक्सल्स का क्या इनका रुतबा है? इनमें कई हैं जो कि दिन दहाड़े वो कभी भी कोर्ट खुलवा देते हैं। आपको दो मैं उदाहरण देता हूं। याकूब मेमन के उसमें, जब ये रात को कोर्ट खोला गया था, तो किसकी धमकी थी? इट वॉज नॉट अ स्माइट ऑफ कॉन्शियंस बिकॉज ऑफ विच द सुप्रीम कोर्ट वॉज ओपन्ड, नो, इट वॉज बिकॉज ऑफ थ्रेट।
और आपको एक और बात बता दूं कि जिस दिन ये केस आने वाला था, ये जब ये फिरोजपुर पे जो कुछ भी हुआ अपने मोदी साहब से के ऊपर, और एमएचए हैड डिसाइडेड टू यू नो इंस्टीट्यूट एन इंक्वायरी, साहब सिख सिख फॉर जस्टिस SFJ, जो अमेरिका में से जो ये वो जहां वहां ज्यादा सक्रिय है, उनसे फोन आया कम से कम 50 लॉयर्स को कि यू डेयर नॉट पिक अप दिस केस। तो जाहिर सी बात है कि अगर लॉयर्स के पास वो आया होगा 50 में, तो उसमें समथिंग मस्ट हैव बीन कन्वेड टू यू नो अदर्स आल्सो। भाई वो लॉयर्स ने किसी को तो बोला होगा ना कि सर हम पर थ्रेट आ रहा है। और उसके बाद आप तो सरकार में रहे हैं, अगर कोई मान लीजिए इस तरह के ओमिशन या कमीशन हो जाता है पीएम के सिक्योरिटी को लेके, डज इट फॉल इन द डोमेन ऑफ द जुडिशियरी टू इन्वेस्टिगेट इट? और उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं कि एक एसपी पे पूरा वो दोषारोपण करके एंड यू ट्राई टू उसको स्कटल करने का कोशिश करते हैं। दैट इज योर वर्डिक्ट और दैट इज योर फाइटिंग। और अब आप देखिएगा, पता नहीं ये जी लोगों ने इस जी पर कि ये जो मान मान जो है मान, ये मान ने फिर अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, कोई हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर में हाथ लगाएगा, अब ये हमारे लिए हुए नहीं है, हमारे लिए हमको कबूल नहीं है। अरे तुमसे पूछ कौन रहा है, ये बातें बोल क्यों रहे हो? और 4-5 लोगों के नाम, इसका मतलब ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने इस कॉमेडियन को एक अच्छा अच्छा कोई इसको लेस मतलब वो दिया है, सलाह दिया होगा, इसको अच्छी सी सलाह दी है, तभी ये इस तरह की बातें बोल रहा है। सो दिस इज द लेवल टू विच यू नो आई मीन दैट इज द थ्रेट ऑफ द जिहादीज एंड द जिहादीज प्लस। आपने नंदिनी बिल्कुल सुंदर का नाम लिया, हु डजंट नो व्हाट मतलब उसका वो क्या है, माउस के साथ उसका क्या लिंक है, क्यों इतनी बार वो जाती है जाती रहती थी वो छत्तीसगढ़ में किस काम के लिए, जज साहब ने कभी ये पूछा नहीं। और नंदिनी सुंदर आई नहीं अपने सलमान जो तुमको गाली देने लगे। जी, साहब अपने सवालों पर जाना पड़ेगा जी, आप इसको कंक्लूड करें। जी, पूछिए आप कंक्लूड कर सकते सर। हैं सवालों पर चलते हैं। नहीं, हाँ तो मैं कह रहा था कि आई जस्ट यू नो टोल्ड यू अबाउट दिस फेसेट ऑफ ये जो अमृतपाल सिंह का फेसेट है, इसमें 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 ये कई तरह की ताकतें इसमें इन्वॉल्व्ड है। और ये K2 प्लान का आप लोग जो बात कर रहे हैं ना सर, ये जो अंदर में जो K2 प्लान चला रहे हैं ना सर, दे आर मोर डेंजरस। ओके, यस आईएसआई यस ने वो करे, अरे डू यू एक्सपेक्ट आईएसआई टू डू एनीथिंग बेटर? लेकिन आपके यहां जो लोग अंदर अंदर में जो जो K2 प्लान चला रहे हैं, और आज से नहीं, कभी आपने सोचा है कि जब 26/11 हुआ था, एक मिनट सर, 26/11 हुआ था, तो आप बताइए कि बिना यहां के अंदर के लोगों के एश्योरेंस के कि हम इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ये एक मिनट सर, बिना ये एश्योरेंस के कि हम यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो अटैक वो हो सकता था? और जस्ट उसके 3 महीने बाद बांग्लादेश में आईएसआई ने बांग्लादेश राइफल्स पे वो किया, जहां पे उसका डीजी मारा गया, एडिशनल डीजी मारा गया, 50 से ज्यादा ऑफिसर मारे गए, दोनों हुआ था रेजिम चेंज के लिए सर, मतलब कि एक को रेजिम कंटिन्यू करे और दूसरा वहां पे रेजिम चेंज के लिए सर। तो दिस इज द डायमेंशन। तो कृपया
वही मैं वही कहने कि चारों तरफ आग लगी है, ये दामन को बचाए तो बचाए कैसे, ये हमारे पास नेशनलिस्ट का के लिए चुनौती है। लेकिन कोई बात नहीं सर, आप लोग यू आर डूइंग अ यमन सर्विस टू दिस कंट्री। मैं जो आपको बहुत बहुत इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ दैट यू नो यू हैव टेकन अप दिस कॉज, एंड ये छोटे छोटे हमारे प्रयत्न से शायद हम अपने दामन को बचा लेंगे सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर करे ऐसा ही हो। और अब हम चलते हैं प्रश्नों पर। दर्शकों के प्रश्न हैं, बहुत सारे आ गए हैं। जलीलुद्दीन आलमगीर साहब हैं, वो कह रहे हैं कि प्रणाम संजय जी एंड आलसन जी, ऑल फोर्सेस आर टुगेदर टू रिमूव मोदी। वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल नॉट टू गेट कैरिड अवे। बीजेपी नीड्स टू बी इन पावर कंटिन्यूसली फॉर क्लीनिंग दिस इंटरनल 0.5, बट आर दे डूइंग इनाफ? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही आ रही। थोड़ा सा मैं इसको 1 मिनट में लाउड कर लूं इसको थोड़ा सा। चलिए ठीक है, आ रही आवाज। आप उसको आप डिस्टर्ब करेंगे तो कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। हाँ सर, कुड यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज नाउ। ऑल फोर्सेस आर टुगेदर टू रिमूव मोदी। वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल नॉट टू गेट कैरिड अवे। बीजेपी नीड्स टू बी इन पावर कंटिन्यूसली फॉर क्लीनिंग दिस इंटरनल 0.5। मैंने ऐड किया था कि आर दे रियली डूइंग इनफ। किसके बारे में, मतलब हमारे हमारी सरकार के बारे में बात कर रहे हैं सर? जी, मोदी के बारे में। देखिए ये जो इतना ही कह सकता हूं कि जो ये अमृतपाल सिंह के खिलाफ जो इन्होंने एक्शन लिया है बड़ा सराहनीय है, बड़ा सराहनीय है। कुछ कुछ चीजें आप समझते हैं, कुछ चीजें मैं भी समझ रहा हूं, ठीक है ना, बट दिस हीट शुड नॉट डाई डाउन। ये यहां पे दिस हीट शुड बी ऑन, ठीक है ना सर। अब जब आपने इनिशिएट कर दिया एंड यू हैव टू टैकल द होल प्रॉब्लम इन ऑल द फेसेट्स। अब पिछले बार क्या हुआ था कि 84 के समय में जो भी कुछ हुआ, गोल्डन टेंपल का फिजिकल रिपेयर तो हुआ सर, लेकिन स्पिरिचुअल रिपेयर नहीं हुआ। तो दोज एम्बर्स हैड नॉट डाइड डाउन, वो सुलग रही थी धीरे धीरे, मतलब कनाडा में सुलग रही थी, उधर सुलग रही थी। हाँ वो दूसरी बात है कि हमने बहुत देर से देखा, लेकिन मैं बहुत पहले ही देख लिया था इसको, और आपने भी पहले देख लिया था, आपने इस पर बहुत पहले भी प्रोग्राम किया हुआ है। जी तो दैट जी हीट शुड बी ऑन। जी नेक्स्ट। जलालुद्दीन आलमगीर, संजय जी, आई बिलीव बीजेपी एज अ होल, नॉट मिस्टर मोदी और आरएसएस और वीएचपी, शुड डायरेक्टली काउंटर दीज फोर्सेस, ऑल दीज टूल किट्स टिल 2024। लेट मिस्टर मोदी आउट ऑफ ऑल टिल 2024। यू डूइंग अ ग्रेट जॉब सर। हाँ, तो ये तो वही आप पिछले क्वेश्चंस का कंटिन्यूएशन है। इसका उत्तर तो दे दिया सिंह साहब ने, तो अब हम आगे चलते हैं। नरेंद्र कुमार सर, भागवत जी सच नहीं बोलते भाई, उन्होंने गधों को ग्रंथों को नकार दिया और ज्ञान मौखिक था, जबकि मौखिक नालंदा के जलाने के बाद शुरू हुआ, और नालंदा इसलिए जलाई गई कि एक किताब आ गई है जिसमें सारे उपचार हैं। अब वो तो उसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन आज हमारा विषय नहीं है वो, तो हम थोड़ा उसको टैकल बाद में कर लेंगे। मितेश पटेल, हाउ मच पोर्शन ऑफ सिख सोसाइटी यू थिंक सीज कॉन्फ्लिक्ट इन सिख इंटरेस्ट एंड हिंदू इंटरेस्ट? हाउ डू वी इनलाइटन पीपल दैट सिख्स एंड हिंदूज आरंट डिफरेंट? नहीं, मैं ये परसेंटेज की बात करें बट इतना मैं जरूर कहूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा कि इट इज नॉट हैंडफुल ऑफ सिक्स। आई कैन ओनली टेल यू दैट मच। इट इज नॉट हैंडफुल ऑफ सिक्स, क्योंकि हमारा वास्ता रहा है और वास्ता रहता है वहां से। सो इट इज नॉट हैंडफुल, नाइदर इन आर कंट्री नॉर अब्रॉड, फॉर वॉट एवर रीजंस। नेक्स्ट।
मेहुल, कैन वी से दैट भगत सिंह बॉर्न ऑन 23rd March 1931 आइडियोलॉजिकली एंड किल्ड बाय मुस्लिम लीग ऑन 23rd March 1940 इन अ मैनर ऑफ सेइंग यस, आप कह सकते हैं वैसे तो. नेक्स्ट ले लेते हैं. कुरानु हादिश तफसीरु, थैंक यू फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन. जलीलुद्दीन, मिस्टर मोदी शुड बी एट द मोस्ट केयरफुल रिगार्डिंग द इनविजिबल USA Babus who play both sides, supporting Mao, Stalin, Hitler, Nehru, etc. Now they support anti-Putin, anti-Xi, anti-Modi faction. नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं है. इसमें इसमें बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भैया. वो आपको मालूम है कि अमेरिका को वहां की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो चलाती है. उनको क्या इज्म विज्म से मतलब है. जो इज्म अच्छा वेक्टर उनके जिस समय रहेगा उसको उसको वो इस्तेमाल करेंगे. लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि नाउ दे नीड टू बी टोल्ड कि देखो ऐसा है, अगर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में हमको अगर अहम हिस्सा बनाना चाहते हो ना, तो ये बेहूदगी बंद करो. ये बेहूदगी बंद करो. जियोपॉलिटिक्स ऐसा इमर्ज हो रहा है कि हम जिधर अपना वजन डालेंगे वो उधर ही का पलड़ा भारी हो जाएगा. दैट दे नीड टू बी टोल्ड. और मैं आग्रह करूंगा आपसे संजय जी कि फ्रॉम टाइम टू टाइम एक प्रोग्राम किया कीजिए जहां आपके लोग वहां पर भी हैं, USA में हैं, UK में हैं, कि जो वहां पर जो रोज के ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं उस पर भी एक प्रोग्राम कीजिए. करेक्ट. और कितना स्टेबल समाज है उसका भी हम लोग रोज उसका भी एक एनालिसिस होना चाहिए. तो हर दिन एक बंदा, हर दो दूसरे दिन एक बंदा बंदूक उठाता है और बच्चों को मार देता है, तो समझ जाइए कि बीमार अमेरिकन आज अमेरिकन सोसाइटी इज अ सिक सोसाइटी. आज 10 बजे असरा नुमानी जी आएंगी और हम उनकी वोक आर्मी पर डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट, व्लादिमीर आदित्यनाथ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंडो बांग्ला नॉन लीथल ट्रीटी 2011? दिस हैज बीन अ मेजर हेडेक एंड हेल्प्ड इलीगल इमिग्रेशन फॉर डेकेड्स. जी सर, इंडिया बांग्ला की ट्रीटी 2011 जिसमें लीथल आर्म्स यूज नहीं करेंगे जो वो हुई थी, उससे बहुत नुकसान हुआ ये कह रहे हैं. सर, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? कुछ देयर इज सम प्रॉब्लम विद माय ऑडियो, आई डोंट नो. हेलो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंडो इंडो बांग्ला नॉन लीथल ट्रीटी 2011? किसके साथ? बांग्लादेश के साथ हमने नॉन लीथल ट्रीटी किया है. हाँ, जिसमें आप फायर आर्म्स यूज नहीं करते. नहीं, देखिए ये क्या है, आपको बता दे कि जब आप 15,000 किलोमीटर बॉर्डर की सिक्योरिटी की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हर इंच पे तो आपका हर एक फीट पे आप तैनात नहीं कर सकते हैं अपना अपने जो सुरक्षा बल है उसको. तो हर कंट्री के साथ एक थ्रेट परसेप्शन होता है और बांग्लादेश के साथ हमारा आपको मालूम है कि 4,000 ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर का बॉर्डर है. तो वो एक थ्रेट बॉर्डर मैनेजमेंट और थ्रेट परसेप्शन को एड्रेस करने का एक अलग अलग तरीका होता है. जिस तरीके से इंडो म्यांमार बॉर्डर पे एक यू नो फ्री ट्रेड वो एरिया है, कुछ 40 किलोमीटर तक आप जा सकते हैं इस साइड में, तो अलग अलग देशों के साथ अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द थ्रेट परसेप्शन ये है. एंड बांग्लादेश इन कन्वेंशनल टर्म्स आपको मालूम है कि वो बहुत थ्रेटेंड फील करता है क्योंकि वो एक 28 किलोमीटर या से कुछ वो जो नाफ रिवर के साथ वो म्यांमार बॉर्डर है एक, एक, उसके अलावा से उसका कोई मतलब, इंडिया लूम्स वेरी लार्ज, ठीक है ना. तो आई थिंक इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन और वो उस तरह का हमको कोई कॉन्शियस एंड अ वाइज डिसीजन आई वुड से. नेक्स्ट,
यू डोंट नीड टैंक्स टू स्टॉप इलीगल यू नो माइग्रेशन. ऑब्जर्वेंट इंडियन मधु किशोर जी हैज बीन क्रिटिकल अबाउट मोदी जी एंड योगी जी रिगार्डिंग देयर एक्सपोजर अबाउट हार्वर्ड एंड टू एंटी नेशनल्स वी आर टॉकिंग अबाउट डू यू थिंक दे बोथ हैव सराउंडेड देमसेल्व्स विद वोक ट्रेटर्स एंड सेसेशनिस्ट्स. नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी, हमको तो पहली बार दिख रहा है कि जो एक्चुअल जो सन्स ऑफ सॉयल हैं और जो लोग इस धरती की परंपरा और इसके संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, दे आर इन हाई पोजिशंस. तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता. यू हैव सच अ डेडिकेटेड होम मिनिस्टर, यू हैव सच अ यू नो सच अ ब्रिलियंट एंड अ नेशनलिस्ट फॉरेन मिनिस्टर. शायद यू नो दिस इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो हमने जो हम चार्ट कर रहे हैं, दैट नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब जो जिस तरह का हम फॉरेन पॉलिसी कोर्स पे हम चार्ट कर रहे हैं, उससे लोगों को बहुत तकलीफ है. तभी तो जॉर्ज सोरस ने ये भी बात उठाई ना कि आप रशिया से तेल क्यों ले रहे हैं. ठीक है ना, ये नेक्स्ट भी एक कारण है. और हमले अभी बहुत तेज होंगे, आप घबराइए मत, अभी हमले और तेज होने वाले हैं. एक वो आ रहा है सन अमेरिका से, वो क्या है, वो ग्रेसेटी आ रहा है वो. गैरसेटी उसको हाँ, प्यार से उसका समझा देंगे, तो कह दिया ना जयशंकर जी ने प्यार से, कल कल जी यूके हाई कमीशन को भी प्यार से समझाया उन्होंने. तो ये जी प्यार जो है अच्छा रहेगा, ज्यादा प्यार दिखाना चाहिए इन लोगों से. जी जी संतोष जी पूछ कह रहे हैं, नमस्ते फ्रॉम बेलारी, थैंक यू आर एस एन सिंह जी, परचेज द बुक. थैंक यू, थैंक यू. आलमगीर साहब, आर एस एन जी को लाते रहिए संजय जी, इनके सुनकर हमेशा याद आता है, नेवर लेट योर गार्ड डाउन. यस एब्सोल्युटली आलमगीर जी अगेन, सही बात है आर एस एन जी, 26/11 में कांग्रेस भी मिला होगा फॉर दैट हिंदू टेरर नैरेटिव. That is why Kasab had that Hindu wrist band. नहीं, आप बताइए कि एक देश विच इज ऑलरेडी एम्ब्रॉयड ऑन द अफगान फ्रंट, वो इतना बड़ा हमला करेगा जब तक उसको भारत से एश्योरेंस नहीं मिला हो. तो ये तो मैं तो लॉजिकल बात कर रहा हूं. मैं जी कृष्णा जी कह रहे हैं, इजंट द इनएक्शन बाय बीजेपी एंड रॉन्ग ट्रेड ऑफ फॉर इलेक्शन, इट लॉस्ट एनी वे, दैट लेट टू इंक्रीज एक्टिविटी एंड सिचुएशन टूडे. इट्स नॉट क्लियर, द क्वेश्चन इज नॉट क्लियर टू मी, द कॉन्टेक्स्ट. नेक्स्ट, आर पी जी एस डी जी, यू नो हाउ डेडिकेटेड एंड जेन्युइन टी जे आई इज, स्टिल यू बैक आउट अंडर प्रेशर फ्रॉम देव हु इज फंडेड बाई के सी आर टू अटैक हिंदुत्ववादी, देव कॉल यू सरकारी यूट्यूबर. आर पी जी, संजय दीक्षित जब चीफ मिनिस्टर्स के प्रेशर में नहीं आता तो किसके प्रेशर में आ जाएगा? आप जो है ये हमारे विवेक पर प्रश्न चिन्ह न खड़ा करें. तो ये जो है जो भी कार्य होता है वो हम पूरे विवेकपूर्ण तरीके से करते हैं. नेक्स्ट, इसी के साथ प्रश्न पूर्ण होते हैं और आज के इस कार्यक्रम को हम, एक प्रश्न और आ गया है, ऑब्जर्वेंट इंडियन का एक प्रश्न है. आई रिस्पेक्टफुली बेग टू डिफर आर एस एन जी, विजयनगर नीडेड जस्ट टू जीलानी ब्रदर्स. वेल दैट वॉज ब्रूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. सेक्युलर बनेंगे तो ऐसा ही होगा, वो सेक्युलर बन गए थे थोड़ा सा राम राय जी. तो अब हम इस कार्यक्रम को यहीं पर वाइंड अप करेंगे. आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आर एस एन सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः याद दिलाते हुए कि हम आज उनकी पुस्तक जिहादी प्लस पर चर्चा कर रहे थे, कि जिहादी प्लस, और वो उनकी पुरानी पुस्तक जो थी नोइंग द एंटी नेशनल्स, उसका सीक्वल है और उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर उसको आप क्रय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आरसन सिंह जी, जय हिंद, थैंक यू वंदे सर, मातरम. थैंक यू, थैंक यू.